ये जो हम कंपनी की बात करने वाले हैं, जो कंपनी का आज की डेट में मार्केट है 80 करोड़, और आने वाले 20-22 मंथ के अंदर अंदर हमको 600-700 करोड़ के मार्केट के पे भी ट्रेडिंग नज़र आ सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी सारे चेंजेस एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द मैनेजमेंट एज वेल एज सम गवर्नमेंट अथॉरिटीज। सो बेसिकली हम आज के पर्टिकुलर स्टॉक्स की जो बात करने वाले हैं, जहां हम बोल सकते हैं कि रिस्क जरूर है, यहां आप देख सकते हो कि काफ़ी सारा अलग अलग फैक्टर्स ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को अफेक्ट कर रहा है। रिस्क तो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में है ही है, बट उसके सामने जो रिवॉर्ड हम देख रहे हैं वो तकरीबन 20-30 टाइम्स कंपेयर टू द रिस्क हम बोल सकते हैं। आज के दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक्स सितंबर 2021 का हम स्टॉक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां हम ऑलमोस्ट 8 से लेकर 10 गुना स्टॉक्स का वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 2 साल। आज के पर्टिकुलर सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है, और आप ये पर्टिकुलर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लेट्स फोकस ऑन द स्टडी। ये पर्टिकुलर जो स्टॉक्स हम बात करने वाले हैं, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आज की डेट में जो कोविड का जो माहौल चल रहा है उसमें हाईली अफेक्टेड इंडस्ट्री। उसके बाद हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो ए पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत बड़ा रहता है। जो रेवेन्यू आप 100 रुपीज का करते हो तो आपको 40-50 रुपीज का मार्जिन मिलता है, और आज के दिन जो उसकी पीयर कंपनी है जो पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर लिस्टेड है वो बहुत अच्छी तरह से ट्रेड कर रही है। तो हम बात करते पहले उसके क्वार्टर, ये पर्टिकुलर जून क्वार्टर के रिजल्ट की, तो यहाँ आप देख सकते हो कि 3 करोड़ का रेवेन्यू है, अदर इनकम भी 3 करोड़ का है, और ये पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर 30 लाख का टैक्स कंपनी ने पेड किया है, और ऑलमोस्ट 0.60 का EPS डिक्लेयर किया है। आप उसकी 2017-18-19 के डेटा के अंदर नज़र करते हो तो एक अच्छा खासा ग्रोथ पर्टिकुलर कंपनी के अंदर दिख रहा था, बट ड्यू टू द पर्टिकुलर कोविड का जो माहौल है उसको लेकर ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री पूरी डूब चुकी है। उसके बाद हम पर्टिकुलर सेल्स की बात करें तो कंपनी का नाम है मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड। आज की डेट में कंपनी के पास ऑलमोस्ट 7 सब्सिडरीज कंपनी है, जिसका नाम आप यहाँ देख सकते हो, मुक्ता A2 सिनेमाज, विस्टलिंग वुड्स इंटरनेशनल, विस्टलिंग वुड्स इंटरनेशनल फाउंडेशन, मुक्ता A2 मल्टीप्लेक्स जो ऑफशोर बिजनेस है बर्लिन का, मुक्ता क्रिएटिव वेंचर, मुक्ता टेली मीडिया, Connect.1। सो बेसिकली हम आज के दिन मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड की बात करने वाले हैं, जिसका रेट आज के दिन क्लोज हुआ है 36, और उसका मार्केट कैप है 80 करोड़, और आने वाले टाइम के अंदर क्या हम पर्टिकुलर कंपनी के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सेगमेंट के अंदर डिवाइड है। पहला है मूवी कंटेंट प्रोडक्शन, आज के दिन कंपनी ने ऑलमोस्ट 40+ मूवी का प्रोडक्शन किया है। दूसरा है मल्टीप्लेक्स, कंपनी अलग अलग सिटीज और मेगा सिटी स्टेट्स के अंदर वेंचर करती है, और वेंचर के साथ प्रॉफिट शेयरिंग या तो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के साथ उसका मल्टीप्लेक्स रनअप करती है। थर्ड है एजुकेशन, जो कि डांसिंग एंड मीडिया सेक्टर के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि जिसकी चाहत ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क करने का है। अब हम बात करें इंडिविजुअल बिजनेस की, तो ऑलमोस्ट 45 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, ऑलमोस्ट 43rd ईयर चल रहा है। सोमेन आप देख सकते हो, सुभाष गाइस वंडरफुल एंड एक्सपीरियंस पर्सनालिटी, ऑलमोस्ट 50+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आज के दिन ऑलमोस्ट 40+ मूवी लाइब्रेरी कंपनी के पास है। IPO एक बहुत बड़ी अमाउंट पे, यानी ऑलमोस्ट 160 के लेवल पे कंपनी ने जारी किया था, और उसके बाद कंपनी ने एक भी अच्छा मूवी कंटेंट क्रिएट नहीं किया है। उसके पीछे का रीजन कुछ भी हो सकता है, हम आज बात कर सकते हैं। उसके बाद हम मल्टीप्लेक्स की बात करें, तो आज की डेट में 31 प्रॉपर्टीज विद 59 स्क्रीन प्लस 6 मल्टीप्लेक्स इन किंगडम ऑफ द बर्लिन। सो ऑलमोस्ट आज के दिन 65 अलग अलग एरियाज के अंदर मल्टीप्लेक्स कंपनी का चल रहा है, और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो कि टारगेटिंग ओवर 100 स्क्रीन बाय द एंड ऑफ 2022, यानी आने वाले 1 साल के अंदर अंदर कंपनी अभी एक्सपेक्ट कर सकती है कि अभी 65 जो मल्टीप्लेक्स है उसको 100+ मल्टीप्लेक्स पे उसको नंबर को रीच आउट कर सकती है। ऑलमोस्ट 15 साल पहले पर्टिकुलर विस्लिंग वुड्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। 2012 के बाद ये पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर जुडिशरी ट्रबल्स आ चुका है, और उसके बारे में हम बात करें कि WWI का जो ये मैटर, ये कोर्ट का केस चल रहा है, उसके पीछे का मैं थोड़ा आपको समरी की बात करूं, तो यहाँ आप देख सकते हो अभी तक ये मैटर के हम लेमन लैंग्वेज के अंदर बात करें तो 20 एकड़ लैंड का एक सौदा हुआ, जॉइंट वेंचर मुक्ता आर्ट्स एंड महाराष्ट्र फिल्म के बीच हुआ,
और कंपनी ने पूरा सेटअप यानी इंस्टीट्यूट का सेटअप 20 एकर्स के अंदर करना है। उसके मुकाबले महाराष्ट्र फिल्म सिटी ने जो भी रेवेन्यू होगा पर्टिकुलर व्हिस्लिंग वुड्स इंस्टीट्यूट से, उसका 15% शेयरिंग पर्टिकुलर महाराष्ट्र फिल्म के अंदर चला जाएगा। अब कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ इन ईयर 2012 के अंदर, अब महाराष्ट्र जो फिल्म सिटी है उसने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर यानी मुक्ता आर्ट्स एंड WWI ने एक पिटीशन फाइल किया कि आप हमारा जो अभी प्रॉब्लम है उसका आप रिव्यू करो और हमको कोई ना कोई आउटकम करो। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर टाइम के अंदर कोर्ट ने एक अनाउंसमेंट किया कि आपने 2001 से लेके 2013-14 तक जो भी आपने लैंड का यूज़ किया है उसका आपको एक रेंट पे करना पड़ेगा, और रेंट डिसाइड हुआ 10 करोड़। पर्टिकुलर 13-14 ईयर्स का जो पर्टिकुलर रेंट का अमाउंट था 10 करोड़। सो बेसिकली कंपनी ने इन द ईयर 2017 के अंदर 11 करोड़ 35 लाख महाराष्ट्र फिल्म सिटी को पेमेंट कर दिया। अब बात आ गई कि कंपनी ने हर साल 45 लाख रुपीज पर एनम कंपनी को पे करना है टू दी महाराष्ट्र फिल्म। और जो महाराष्ट्र फिल्म का केस था, मतलब उसकी डिमांड थी, वो बोल रहे थे कि आप हमको पूरी जो 20 एकड़ लैंड है उनमें से ऑलमोस्ट 5.5 एकड़ लैंड पे कंस्ट्रक्शन हो गया है। वेकेंट लैंड की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 14.5 एकड़ वेकेंट लैंड थी जो कंपनी ने ऑलरेडी महाराष्ट्र फिल्म सिटी को हैंड ओवर कर दिया इन द ईयर 2013-14 के अंदर। और जो 5.5 एकड़ लैंड पे कंपनी ने पूरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और बिल्डिंग का सेटअप किया है, जो पूरा इंस्टीट्यूट बनाया है, उसको महाराष्ट्र फिल्म सिटी ऐसी डिमांड कर रही थी कि मुझे ये पर्टिकुलर लैंड भी चाहिए, आप हमको वेकन करके हैंड ओवर कर दो। और कोर्ट के अंदर मुक्ता आर्ट्स की ओर से ऐसा मतलब पिटीशन फाइल किया गया कि हमने ऑलरेडी पर्टिकुलर लैंड पे इतना बड़ा कॉस्ट इन्वेस्ट किया है, इतना हमारा मैन पावर यूज हुआ है, और पर्टिकुलर ये जो हमारा एफर्ट्स है, एक बार ये हम लैंड हैंड ओवर कर देते हैं तो उसका हमको क्या मिलेगा। सो बेसिकली ये मैटर के अंदर ऑलमोस्ट 2014 से लेके अभी 2021 तक ये पर्टिकुलर जो मैटर है अभी भी स्टैंडिंग की स्टैंडिंग है, उसका कोई आज के दिन मतलब शॉर्ट आउट नहीं हुआ है। अब ये पर्टिकुलर जून 2021 के रिजल्ट के अंदर आप एक पर्टिकुलर कमेंट ऑडिटर की ओर से आप रीड कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें पर्टिकुलर रिजल्ट की कमेंट की, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जून के रिजल्ट के अंदर यहाँ आप देख सकते हो कि कंपनी ने आज के दिन ऑलमोस्ट सब कुछ पेमेंट कर दिया है। September 22, 2014 विथ रिकर्स टू दी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टू मेक एन एप्लीकेशन टू दी बॉम्बे हाईकोर्ट। अब आप लास्ट सेकेंड पॉइंट के अंदर लास्ट दो लाइन, द महाराष्ट्र स्टेट कैबिनेट हैज ऑन 25 September 2018 अप्रूव द अलॉटमेंट ऑफ 5.5 एकड़ ऑफ द लैंड ऑन लीज बेसिस टू द कंपनी। हाउएवर द मैटर इज सब जुडिस एंड इज सब्जेक्ट टू फाइनल डिस्पोजल बाय द ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट। द ऑडिटर कंटिन्यू टू मॉडिफाई द रिपोर्ट्स ऑन द साइड मैटर। सो पर्टिकुलर दो लाइन आप रीड करते हो कि ऑलरेडी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने कंपनी ने 5.5 एकड़ के लिए परमिशन दे दी गई है, उसके लिए उसका जो रेंट का मतलब अग्रीमेंट है, यानी अभी कंपनी 45 लाख पर एनम रेंट जो पे कर रही है उसमें शायद हो सकता है कि 90 लाख या तो 1 करोड़ का जो भी अमाउंट एक म्यूचुअली डिसाइड होगा आफ्टर द कोर्ट हियर, कोई भी एक डेट कंपनी को मिल जाए और जल्द से जल्द ये पर्टिकुलर जो केस है उस केस का कोई ना कोई डिसीजन आ पाए। अब हम BSE की साइट पे मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड के अंदर आ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि कंपनी का मार्केट कैप आज की डेट में 80 करोड़ का है, और रिसेंटली कंपनी ने 0.60 का EPS डिक्लेयर किया जो हमने ऑलरेडी देखा था। यहाँ आप देख सकते हो प्रमोटर के पास आज के दिन 70% होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 29% होल्डिंग है। सो हम मान के चल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 8 to 10 लाख शेयर्स का फ्लोटिंग आज के दिन रिटेल के पास पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करें जो अलग अलग सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनी के अंदर, तो यहाँ आप व्हिस्लिंग वुड्स के अंदर 85% स्टेक कंपनी के पास है, 15% महाराष्ट्र फिल्म सिटी के पास है। अभी एक पर्टिकुलर केस क्लोज आउट हो जाने के बाद कंपनी के पास 100% ओनरशिप हो जाएगी और पूरा जो लैंड है वो लीज लैंड पे चला जाएगा।
कनेक्ट वन के अंदर 100% है, मुक्का टेलीमीडिया के अंदर 99.92% है, मुक्ता क्रिएटिव वेंचर के अंदर 100% है। सो बेसिकली यहाँ मुक्ता वीएन फिल्म्स के अंदर 52% है, मुक्ता ए टू सिनेमास के अंदर 70% है, मुक्ता ए टू मल्टीप्लेक्स जो आउटसोर्स यानी आउट ऑफ इंडिया के अंदर जो है उसमें 55% है, और विस्लिंग वुड्स की एक सब्सिडरी कंपनीज है जो कि एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से जाना जाती है, उसमें 100% उसकी होल्डिंग है। अब हम उसकी पीयर कंपनी की बात करें तो सारेगामा इंडिया जो कि काफ़ी वेल नोन कंपनीज बन चुकी है, ऑलमोस्ट 10 गुना स्टॉक्स एक साल के अंदर या पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर हमको मूवमेंट दिखने को मिला था। आज की डेट में 5,500 करोड़ के मार्केट के पे ट्रेड हो रही है। यहाँ आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मार्जिन की हम बात करें तो 40-50% का ऑपरेटिंग मार्जिन नज़र आता है। अब हम बात करें दूसरी कंपनी टिप्स इंडस्ट्रीज जो कि 10 गुना स्टॉक्स के प्राइस के अंदर मोमेंट पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स में दिख रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हो 1400 करोड़ का मार्केट कैप है और यहाँ 70-80% का ऑपरेटिंग मार्जिन दिख रहा है। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के अंदर एक बार आपका प्लान यानी आपका वर्क रेवेन्यू सेट हो जाता है तो प्रॉफिट का कोई दिक्कत ही नहीं रहता है। अब हम बात करें मुक्ता आर्ट्स की पिक्चर की तो यहाँ आप देख सकते हो रीजनल फिल्म्स मुक्ता आर्ट्स के अंदर यहाँ सुभाष गाई का भी आप देख सकते हो, काफ़ी सारे अलग अलग जो उसका मुक्ता हाउस है उसकी प्रॉपर्टीज का है, यहाँ विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल एक अच्छी खासी प्रॉपर्टीज नज़र आ रही है। सो बेसिकली हम बात करें अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज, ये पूरा जो पिक्चर आप देख रहे हो एक वेल नोन पिक्चर का एल्बम हम बोल सकते हैं, परदेश, कांजाकरम, ताल, विश्वनाथ, यानी हम बोल सकते हैं एक से लेकर एक अच्छे अच्छे मूवी यानी ऑलमोस्ट 42 मूवीज इंक्लूडिंग 35 ब्लॉकबस्टर मूवीज आज की डेट में कंपनी की ओर से हमको नजर आ रहा है। अब हम बात करें इंस्टीट्यूट्स के अंदर 2500 प्लस ग्रेजुएट सक्सेसफुली प्लेस्ड एंड 1200 प्लस अभी के दिन यानी अभी जो करंट एज ऑन करंट सिचुएशन स्टूडेंट करंटली स्टडिंग द कैंपस। सो बेसिकली एक हम मान के चल सकते हैं कि एक बहुत बड़ी लेटेस्ट यानी एक इनोवेटिव इंस्टीट्यूट कंपनी ने अद्भुत एक इंस्टीट्यूट का निर्माण किया है। यहाँ आप देख सकते हो कि अभी रिसेंटली प्रमोटर की ओर से एक पर्टिकुलर आर्टिकल आया है जिसको लेकर मैं काफ़ी उम्मीद कंपनी की ओर से कर सकता हूँ। डीप फोकस विल रिटर्न टू द डिरेक्शन इन ईयर 2022। यहाँ आप देख सकते हो कि सुभाष गाय ने रिसेंटली 36 फार्म हाउस लॉन्च किया है जो कि एक अच्छा खासा एल्बम हम बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो राइटिंग है ये इनाउंस ही हुई है, 20 दिन के अंदर अंदर उसका शूटिंग कंप्लीट हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो उसका जो मतलब मैसेज है, द फिल्म इंस्टीट्यूट आई सेट अप वॉज द ट्रांजिशन स्टेज, इट नीड माई कंप्लीट कमिटमेंट एंड फोकस, दैट्स वॉट कैप मी अवे फ्रॉम मेकिंग फिल्म। आज के दिन हम जो पहले डिस्कस किया था कि कोई ना कोई कारण से ये कंपनी का ग्रोथ अटक गया है यानी जो कंपनी का कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस है उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक आ रहा है जिसको लेकर यहाँ आप देख सकते हो उसका आंसर। टुडे द विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल विच हैज जस्ट कंप्लीटेड 15 ईयर्स इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट, इट्स अल्यूमिनी इज वर्किंग इन द टॉप एंटरटेनमेंट एंड मीडिया कंपनीज, वी हैव डेवलप्ड द स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पूल ऑफ टैलेंट, साउंड रिकॉग्नाइज्ड एंड साउंड डिजाइनर डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर, सिनेमाग्राफर एंड राइटर्स, प्रोडक्शन मैनेजर, कोरियोग्राफर, कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर। सो इन एंड सम आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर 3 लाइन्स है जहाँ हम कुछ ना कुछ कंपनी की ओर से बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसको लेकर मैंने पर्टिकुलर शेयर्स आज की डेट में मेरा मतलब पॉजिटिव कंपनी में निवेश करने का माहौल बना है। यहाँ आप देख सकते हो फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वी हैव बीन डेवलपिंग कंटेंट, अराउंड 20 स्क्रिप्ट्स आर रेडी इंक्लूडिंग रीमेक ऑफ द काली चरण एंड खेलना एक सीक्वल। ऑन October 24 मुक्ता आर्ट्स 43rd एनिवर्सरी यू कैन एक्सपेक्ट सम एक्साइटिंग अनाउंसमेंट, आई टू विल रिटर्न टू डिरेक्शन इन 2022। सो बेसिकली जब भी 24th October यानी ऑलमोस्ट सितंबर एंड अक्टूबर आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर 43rd एनिवर्सरी कंपनी की होने वाली है। बिफोर दैट आई विजिटेड 32 टॉप फिल्म स्कूल इन द वर्ल्ड फ्रॉम द UCLA टू न्यूयॉर्क फिल्म सिटी स्कूल ऑफ लंडन फिल्म मेकिंग माई करिकुलम मोर स्किल ओरिएंटेड रादर देन द जस्ट थियरी बेस्ड। यहाँ आप देख सकते हो कि कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही थी और आज की डेट में कंपनी को क्या मिला है। 40 एकड़ की बात हुई थी, I also decided to go for an IPO to raise the money from the market so I could make more movies.
When this news came in the paper, I was advised to set up my school in the film city. Almost 650 acres के अंदर film city is आज की date में spread हुई है and it will give my students proximity to the film shoots and personalities. So I got into the 85-15% partnership with film city. So यहाँ आप देख सकते हो कि पनवेल के अंदर 40 एकड़ पे ये पूरा इंस्टीट्यूट बनने वाला था. So basically 2006 से लेकर आज के दिन 15 साल के जर्नी के अंदर I have एक्सेस ओनली 5 एकड़ लैंड, जो हमने ऑलरेडी कैबिनेट का जो डिसीजन आया है 5.5 एकड़ लैंड का ये पर्टिकुलर एक्सेस कंपनी को मिला है. एंड इवन दो आई वॉज एबल टू बिल्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म स्कूल्स इन द एशिया दैट हैज कमिटेड ओवर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स अगो फ्रॉम FTII आई मेड द जर्नी टू WWI. Even though the effort took toll on my health and finance kept me away from full. So basically कहने का पूरा आर्टिकल का मतलब ये है कि 1 अगस्त 2021 के दिन ये freeplacejournal.in के अंदर प्रमोटर ने पूरा उसका इंटरव्यू दिया था. उसका जो पीछे का रीजन है, आज के जो पर्टिकुलर अभी वीडियो हम शूट कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन की बात करें तो सुभाष गाय का मेन एरिया ऑफ द एक्सपर्टाइज इज मेकिंग फिल्म, बट somehow they have managed to build a excellent setup and infrastructure of the schools. And आज की डेट में एशिया के अंदर एक वन ऑफ द टॉप यानी वर्ल्ड के 10 बेस्ट मूवी स्कूल्स के अंदर ए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम आ सकता है. यहाँ आप देख सकते हो ए टू जो ऑलरेडी हमने अभी थोड़ी टाइम पहले यहाँ देखा था कि 31 प्रॉपर्टीज के साथ 59 स्क्रीन प्लस 6 आउट ऑफ द इंटरनेशनल प्रेजेंस के अंदर 65 स्क्रीन्स आज की डेट में चल रही है और कंपनी 100 स्क्रीन्स का टारगेट कर रही है. उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो कि विस्लिंग वुड्स की पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर आप जाके भी अलग अलग एनालिसिस भी कर सकते हो और आपका रिसर्च और डीप भी कर सकते हो, क्योंकि आज के पर्टिकुलर वीडियो का भी एक टाइम का लिमिट है. पीछे का हम लॉजिक की बात करें तो ये जो आज की डेट 80 करोड़ का मार्केट कैप है तो कंपनी चाहे तो यूट्यूब है या तो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी एक एग्रेसिव उसका जो कंटेंट है उसका भी एक वैल्यू अनलॉक कर सकती है. बट ऑनलाइन जो प्रमोशन है आज की डेट में यूट्यूब में आप जाके देख सकते हो WWI है या तो मुख्तार से 50,000 से 2,00,000 का सब्सक्राइबर बेस हो चुका है. बट उसकी कंपेयर में हम सेमारू है, सारेगामा है, टिप्स है, ये पर्टिकुलर जो हाउस है उससे हम बात करें तो ऑलमोस्ट 3-4 करोड़ फॉलोअर्स यूट्यूब पे हमको दिख रहा है. उसके सामने कंपनीज का कोई भी एग्रेसिव ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कोई प्रेजेंस दिख नहीं रही है, उसकी हम ये नेगेटिव बात बोल सकते हैं. उसके बाद कंपनी ने अभी तक OTT प्लेटफॉर्म का भी यूज़ नहीं किया है. रिसेंटली कंपनी ने काफ़ी सारी अलग अलग कंपनीज से, जी मीडिया से, टिप्स से, UFO मूवीज से या तो सोनी से, काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स के अंदर टैप किया हुआ है. सो आने वाले टाइम में शायद वैल्यू अनलॉक ए पर्टिकुलर OTT प्लेटफॉर्म में भी दिख सकती है. उसके बाद हम बोल सकते हैं कि कंपनी के पास क्या अभी पॉजिटिव पॉइंट्स है जो वर्क अदर कंपनी जो मूवी प्रोडक्ट्स कर सकती है, जो एक 100 रुपीज़ या तो 100 रुपीज़ का एक मूवी है ये पर्टिकुलर कंपनी उसका इन हाउस असेट उसका प्रॉपर्टीज यूज़ करके 50-60 रुपीज़ में भी बना सकती है, क्योंकि उसके पास एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है, अच्छे खासे की एम्प्लॉयज है, एक्सपीरियंस प्रमोटर है. सो बेसिकली उसके लिए मूवी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. उसके अलावा कंपनी के पास एडवर्टाइजमेंट का भी एक बहुत बड़ा पैकअप है, जहां अलग अलग कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट उसके स्टूडियोज के अंदर शूट होती है, जिसके लिए भी कंपनी को एक बहुत बड़ी अमाउंट मिलती है. सो मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर आप 28 रुपीज़ का SL रख के आपका टारगेट 250-300 का भी आप मान के चल सकते हो. सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि विद द लिस्ट रिस्क हम यहाँ ए पर्टिकुलर कंपनी में एक बहुत बड़ा राइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू दी मूवमेंट ऑफ दी WWI प्रोसीडिंग एंड दी सिनेरियो ऑफ दी कोविड. सो इसी के साथ हम आज के दिन मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड की एनालिसिस यहाँ समाप्त करते हैं. थैंक्स.